वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन. ओके, दिवाली आ रही है, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, सो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिटॉक्स का डाइट प्लान पोस्ट करूंगी अपने दिस फैट टू फिट चैनल पे. दिस डाइट प्लान इज रियली रियली इफेक्टिव. कहाँ पे मेरी क्लाइंट हैं स्वाति, सो शी इज इन टू मॉडलिंग नाउ आफ्टर दिस पतली कमर एंड प्रॉपर यू नो टोन्ड बॉडी. उनका ट्रांसफॉर्मेशन मैं पोस्ट करूंगी अपने इंस्टाग्राम पे एंड ट्रस्ट मी यू गाइस विल बी शॉक्ड उनको देखकर, कहां से कहां कैसे किधर और किस तरीके से. सो ये जो कुछ डिटॉक्स डाइट प्लान है मैंने उनके साथ शेयर किया था एंड उनको मैंने करवाया था एंड काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हम करते रहते हैं क्लाइंट्स के साथ उनकी हेल्थ के लिए एंड उनका फिटनेस के लिए. सो आज कुछ एक इम्पॉर्टेंट ये डाइट प्लान है जो कि मैं यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ. हम सबको चाहिए पतली कमर फेस्टिवल पे. खाना पीना नहीं है, ठीक है, कपड़े पहनने हैं, अच्छा दिखना है, स्किन ग्लो चाहिए हमको, क्योंकि जब आप 10 लोगों के बीच में जाते हो ना, सो हर लड़की को चाहिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कि मैं अच्छी दिखूं, मेरी ड्रेस सबसे अच्छी दिखे. अब मान लो आपने ड्रेस बनवा ली विच कॉस्ट इज 40,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, वहीं पे ही कोई लड़की, ठीक है, आप ही के गेट टुगेदर में आई हुई है दिवाली पार्टी पे या आपकी फैमिली में, जो बहुत ही सेक्सी फिगर में है, उनका फेस पे उनकी हेल्थ झलक रही है, उनकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है, बाल बहुत अच्छे हैं, वेल मैनेज्ड है एंड उन्होंने जस्ट 2,000 or 3,000 rupees का ड्रेस पहन रखा है, आप अच्छे नहीं दिखोगे, वो अच्छी दिखेंगी, क्योंकि सिर्फ पहनावा नहीं, उन्होंने अपनी बॉडी वेल मेंटेन कर रखा है कि उनकी बॉडी के ऊपर हर टाइप का कपड़ा सूट कर रहा है एंड शी लुक सो ब्यूटिफुल. सो अपने आप कहो, पैसे खर्च रहे हो तो वहाँ मत खर्चो कि मेरी ड्रेस इतनी महंगी होनी चाहिए, मैं ऐसी पहनूंगी, मेरा मेकअप इतना महंगा होना चाहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, शरीर ठीक होगा, सब कुछ फ़र्क पड़ेगा. सो उसके लिए हम करेंगे ये वाला डिटॉक्स का प्लान एंड इस प्लान के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कितने इंचेस गए, कितना वेट लॉस हुआ, ठीक है. मैं रिप्लाई सबको नहीं दे पाती बट ट्रस्ट मी मैं मैक्सिमम कमेंट्स को रीड करती हूँ, ट्रस्ट मी. एंड मुझे बिफोर एंड आफ्टर चाहिए. आई विल पोस्ट ऑन दिवाली, दिवाली से एक दिन पहले, तब तक मेरा ऑफिस खुल चुका होगा, पक्का पक्का प्रॉमिस खुल चुका होगा. बड़े परेशान हो गई मैं इस बारी ऑफिस बनवाने में, सच्ची बता रही हूँ. सिंगल लेडी सब नहीं कर सकती, टू बी ऑनेस्ट. सो हाँ, मुद्दे की बात, मैं दिवाली से एक दिन पहले मैं पोस्ट करना चाहती हूँ योर बिफोर एंड आफ्टर मेरे इंस्टाग्राम पे. सो बस भेजते जाओ भेजते जाओ. कहाँ भेजना है? इंस्टाग्राम के मैसेज बॉक्स में, अदर्स में भी जाएगा, मैं और मेरी टीम चेक करेंगे एंड वी विल पोस्ट इट. मेरे को मजा आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं वेट करूंगी. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डाइट प्लान. ऑलराइट, सो हम अपना दिन की कैसे शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा जल्दी 7-8 बजे तक, और मॉर्निंग में उठते ही हम लेंगे आधा कप एलोवेरा जूस, आधा कप गर्म पानी. नाउ मूव टू द ब्रेकफास्ट. अच्छा, ब्रेकफास्ट और लंच को हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे कैसे. फॉर एग्जाम्पल, आप वो बंदे हो जिसको मॉर्निंग में सॉलिड खाना चाहिए और आधा कप चाय चाहिए दूध वाली, तब आप लेंगे सैंडविच, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच या मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच या ओट्स ब्रेड का सैंडविच, कोई भी ब्रेड वाइट ब्रेड को छोड़कर, ठीक है. भाई NRI क्लाइंट्स बढ़िया हैं जो बाहर रहते हैं, उनको पता है वेराइटीज ऑफ ब्रेड मिलती है. मैं इतना देख देख के मन करता है मेरा वहाँ पर जाने का, बट कोई बात नहीं, आपको जितनी हेल्दी अच्छी ब्रेड मिल सके अच्छी बेकरी से, आप वहाँ से वो ब्रेड पिक करेंगे. और सैंडविच की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे बहुत सारे सैंडविच की रेसिपीज़ है, एग्स की है, नॉर्मल है, मलाई वाला सैंडविच है, चिकन सैंडविच है, नहीं अभी तक पोस्ट नहीं करा, बट जितने भी सैंडविच की रेसिपीज़ है सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. पिक करो कोई भी एक सैंडविच, आधा कप चाय, दो ब्रेड का एक सैंडविच और ब्रेकफास्ट करेंगे. नाउ अगर आप लोग बहुत ही डेस्परेट हो, मुझे वेट कम करना है और मैं करके दिखाऊंगी, करना ही करना है, चैलेंज होता है ना, ईगो हर्ट होती है, उनके लिए जो मैंने सूप का रेसिपी पोस्ट किया था, 3 सूप, इनमें से कोई भी एक सूप पिक करेंगे, वो सूप हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेंगे, ठीक है. सो 2 ऑप्शंस हो गए, अगर ब्रेकफास्ट में सूप लिया है लंच में सैंडविच लेंगे, अगर लंच में सूप लिया है तो ब्रेकफास्ट में सैंडविच लेंगे, ठीक है. सो दोनों ऑपोजिट करेंगे, या तो सूप या तो सैंडविच. अगर मॉर्निंग में सूप हुआ है तो लंच सैंडविच, मॉर्निंग में सैंडविच हुआ है तो लंच सूप. सो ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है जी. अच्छा, मिड ब्रेकफास्ट में हम लेंगे फ्रूट. बेस्ट ऑप्शन इज, मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे हैं गुआवा, बीज निकाल के पिंक कलर वाले अगर आपको मिले तो अच्छा है, नहीं मिलते तो नॉर्मल ग्रीन वाले भी अपा को चलेंगे जो नॉर्मल होते हैं, तो ग्रीन वाला गुआवा या पिंक वाला बेस्ट. एक गुआवा लेंगे, सारे के सारे बीज निकाल कर गुआवा खाएंगे, साथ में लेंगे 1 कप ग्रीन टी, साथ में
लंच का मैंने पहले क्लियर कर दिया था. नाउ बैक टू दी इवनिंग टी. नाउ इवनिंग टी में हम लेंगे नोनी जूस. नोनी जूस अमेजोन पे मिलता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके. इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं बना दूंगी. आधा कप नोनी जूस, आधा कप गर्म पानी, शॉट मारेंगे, साथ में लेंगे 2 राउंड स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल्स. ठीक है जी. नाउ मूव टू दी डिनर. हाँ जी, डिनर में ऐसे सिचुएशन में मैं अपने कुछ क्लाइंट्स को दे देती हूँ फ्रूट्स या फिर सैलेड्स. बेस्ट इज आप पनीर, 50 ग्राम्स ऑफ पनीर तवे पे सौते करेंगे, साथ में 2 शिमला मिर्ची सौते करके खाएंगे, साथ में 1 प्याज इफ़ यू वॉन्ट टू. ये हो गया एक रेसिपी. सेकेंड रेसिपी, अगर आपका मन है तो बॉइल्ड घिया का सैलेड. थर्ड इज, अगर आपको सैलेड खाने का मन नहीं है, पपाया, बाउल ऑफ पपाया, नहीं तो चीकू. मार्केट में चीकू मिल रहे हैं बहुत अच्छे वाले, गला हुआ जो चीकू होता है ना, 3 चीकू आप खा सकते हैं. अदरवाइज आपका वो भी खाने का मन नहीं, आपको सैलेड से चाहिए भिंडी सैलेड, तोरी, तोरी की सब्जी बना लो पूरा बाउल भर के, वो खा जाओ, फीलिंग रहता है. जितनी सब्जियां कंज्यूम करोगे, फ्रूट्स कंज्यूम करोगे, उतना बॉडी को है अच्छे रिजल्ट्स और इफेक्ट्स मिलते हैं. नाइट ड्रिंक, नाइट ड्रिंक सोने से पहले आधा कप एलोवेरा जूस, आधा कप गर्म पानी. ठीक है. सो ये पूरा का पूरा जो प्लान है ये हमारा 1 वीक का है. इन 1 वीक 2.5 से 3 किलो आपका निकलना बनता ही बनता है, प्लस इसमें इंच लॉस बहुत ज़्यादा होगा. इस पूरे डाइट को करते हुए आपने पानी का कंजम्पशन रखना है 3 से 3.5 लीटर के बीच में, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी. मेरे कुछ क्लाइंट हैं पूरे दिन सिप सिप करके गर्म पानी पीते रहते हैं, भाई नहीं होगा कुछ भी, सूज जाएगी बॉडी अच्छी खासी. तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियेंगे 3 से 3.25 लीटर. करेक्ट. सो ये है पूरा डाइट प्लान. 1 वीक करेंगे, 1 वीक से ज़्यादा मत करना भाई, मत करना, 1 वीक से ज़्यादा मत करना, 1 ही वीक करेंगे. एंड मैं आपकी दिवाली की पिक्चर्स का वेट करूँगी, लेट्स सी किसकी पहले आती है. सो या दैट्स इट. एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट. अच्छा, ये डाइट प्लान कौन कौन कर सकता है? PCOD वाले कर लेना, पनीर की जगह सिर्फ वो लेना आप अपना दिस टोफू पनीर. शुगर वाले लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, दिस डाइट प्लान इज नॉट फॉर यू, नॉट एट ऑल फॉर यू. नॉर्मल लोग तो हम सब करते ही रहते हैं. ठीक है ना जी. सो या आई विल सी यू सून विद अमेजिंग एंड कतल वाला डिटॉक्स वाटर, एंड उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. सो वो मैं पोस्ट करूँगी अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में. सो या तब तक के लिए बाय बाय जी, नमस्ते, टेक केयर. दिवाली की पिक्चर्स का वेट रहेगा, जल्दी जल्दी भेज देना प्लीज़. हाँ, बाय.